सभी को नमस्कार दोस्तों। आज का जो प्लान है ये आपका प्लॉट साइज जो क्लाइंट का है 38x35 में क्लाइंट का प्लॉट साइज है। 38 इसकी टोटल लेंथ है और 35 इसकी टोटल विड्थ रखा गया है दोस्तों, जिसमें से कंस्ट्रक्शन जो हुआ है 30 फिट 4 इंच, विड्थ जो है 34 फिट 4 इंच है और लेंथ जो है 27 फिट में आपका कंस्ट्रक्शन हुआ है दोस्तों। ये 5 फिट का पोर्च ये अलग से है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें इस मकान में आपको टोटल 3 बेडरूम मिलेगा, एक किचन मिलेगा और टॉयलेट बाथरूम और छोटा सा हॉल एरिया आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब एलिवेशन की बात करें तो मकान को यहाँ पे आप यहाँ पे एक्चुअली जो है 3 फीट ऊपर रखा गया, आप अपने हिसाब से 3 या 4 अपने हिसाब से आप इसको रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको छोटा सा एक पोर्च मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं 5 फीट का वाइड, आपको 5 फीट 8 इंच वाइड आपको एक पोर्च मिल जाएगा, जिसमें 2 पिलर के साथ आपको इस तरीके से सपोर्ट मिल जाएगा। आप पोर्च का साइज़ भी देख लीजिए, इस तरीके से राउंड शेप में इस तरीके से डिज़ाइन मिलेगा। फ्रंट में भी ऐसे राउंड है, साइड में भी ऐसे आपका राउंड है। फ्रंट से आप विंडो का डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं, एकदम सिंपल सा ही रखा है। इस तरीके से आपका रेलिंग का डिज़ाइन भी आप देख लीजिए। मकान की हाइट को यहाँ पर जो है 10.5 फिट रखा गया है, आप चाहे 10.5 से 11 फिट आप रख सकते हैं दोस्तों। रेलिंग की बात करें तो जो कि 3 फिट है, आपको इस तरीके से स्क्वायर शेप में आपको कटिंग करके मिलेगा, बीच में आपको इस तरीके से राउंड शेप में इस तरीके से मिल जाएगा। पोर्च में भी आपको इसी तरीके से सिंपल में ही रेलिंग को डिज़ाइन किया गया दोस्तों, बाकी साइड में हमने रेलिंग को नहीं डिजाइन किया है। तो इस तरीके से प्लान के एलिवेशन है। अब चलते हैं अंदर का डिटेल आपको हम बताते हैं दोस्तों। तो इसकी हमेशा की तरह स्लैब को हटा करके आपको डिटेल बताते हैं। स्लैब हटाएंगे तो ये आपका पोर्च एरिया हो जाएगा, आपका छोटा सा बरामदा एरिया हो जाएगा। इसके आगे जैसे आप एंट्री करेंगे, ठीक है, यहाँ से आप एंट्री कर जाएंगे, ये आपका मेन दरवाजा है। यहाँ पे आपको एक किचन मिल जाएगा। इस किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो आपको 10x8 का आपको किचन का साइज़ मिलेगा। यहाँ पे आपको एक बेडरूम मिल जाएगा, इस साइड में बेडरूम नंबर 3, 12x10 का आपको बेडरूम नंबर 3 मिल जाएगा। ये आपका 4 फीट वाइड आपको पैसेज मिल जाएगा, जो कि साइड में निकलने के लिए आपको स्पेस मिल जाएगा। बैक साइड में आपको एक रूम दूसरा मिल जाएगा, इसका भी साइज़ 12x10 का आपको मिल जाएगा। अब बीच में बात करें तो ये आपका एक टॉयलेट बाथरूम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, तो ये 1, 2 और ये टॉयलेट बाथरूम और ये 3रा बेडरूम आपको मिल जाएगा। लास्ट में बेडरूम, इसका भी साइज़ 12x10 का है, बीच में टॉयलेट बाथरूम है, इसका जो साइज़ है 4x7 का आपका रखा गया है। सीढ़ी आपका इस तरीके से डॉग लेग्ड में आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिए, इस तरीके से 3 फीट वाइड सीढ़ी है, डॉग लेग्ड में आपका इस तरीके से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे साइड में भी निकलने के लिए आपको दरवाजा दिया गया है, आप चाहें तो इसको क्लोज भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो इस तरीके से सिंपल ही आपका ये फर्स्ट फ्लोर को डिज़ाइन किया गया है। अभी एक्चुअली क्या है, क्लाइंट ने हमसे एक और एलिवेशन डिज़ाइन कराया था कि अगर हम मान लीजिए सिंपल में जिसमें पोर्च नहीं रहेगा उसमें एलिवेशन कैसा लगेगा सिंपल सिंगल फ्लोर में, तो आप इसको सिंगल फ्लोर में देख लीजिए और डबल में भी आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे पोर्च को कैंसिल कर दिया गया है, ये आपका इस तरीके से चैनल गेट लगाया गया है। चैनल गेट के ऊपर आप चाहें तो ग्रिल वगैरह का यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। बाकी ये विंडो का डिजाइन इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ऊपर छज्जे की बात करें तो ये आपका 3 फीट वाइड आपका आगे छज्जा निकलेगा, बाकी तीनों साइड आपका 4-4, 5-5 इंची साइड में इस तरीके से निकलेगा। ये डिज़ाइन आपकी जो छत है 4-4 इंची निकालेंगे या फिर ईंट से भी आप निकाल सकते हैं। इससे क्या है, बारिश के पानी आपकी दीवार से लगकर नीचे नहीं जाएगा तो आपकी दीवारें खराब नहीं होंगी दोस्तों, ठीक है। ये डबल फ्लोर में आपको इस तरीके से कुछ मिल जाएगा दोस्तों। और अगर इस सारा कुछ आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट यार दोस्तों आप ही के लिए है, नीचे कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई मकान बनवाना है तो नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ, धन्यवाद दोस्तों।